ड्राई uh, वॉल हम डिस्कस तो कर चुके हैं फ्रेम एंड ड्राई वॉल फ्रेमिंग वाले पोर्शन में बट स्टिल जो ड्राई वॉल है उसके लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है हु इज़ यूजुअली कॉल्ड एज ड्राई वॉलर तो इट डिपेंड्स के ड्राई वॉल का सब कॉन्ट्रैक्टर सेपरेट भी हो सकता है अदरवाइज ड्राई वॉल जो है वो फ्रेमर भी इंस्टॉल कर सकता है सो इट डिपेंड्स के अगर फ्रेमर uh, भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो भी इंस्टॉल कर सकता है अदरवाइज ड्राई वॉल के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर होता है सो ड्राई वॉल में क्या होता है ड्राई वॉल क्या होता है ड्राई वॉल इंटीरियर फिनिशे कवर होता है ड्राई वॉल शीट्स कैन राइट शीट तो यहाँ पर जो आपकी वॉल्स पर स्टड्स इंस्टॉल किए जाते हैं स्टड्स के ऊपर फिर ये ड्राई वॉल बोर्ड इंस्टॉल किए जाते हैं ड्राई वॉल सम होता है कि ये ड्राई वॉल है बोर्ड इंस्टॉल हुआ हुआ है ये आपकी वॉल्स थी और वॉल्स और सीलिंग्स पर ड्राई वॉल के शीट्स इंस्टॉल किए हुए हैं तो फर्स्ट थिंग इज हैंग हैंग क्या होता है कि जस्ट आपने ड्राई वॉल शीट्स को उठाया और जस्ट वॉल में नील कर दिया तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हैंग देन इज टेप एंड फ्लोट टेप एंड फ्लोट टेप एंड फ्लोट क्या होता है टेप एंड फ्लोट इज एक्चुअली कि जब आप बोर्ड्स को हैंग कर देते हो तो जहाँ जहाँ पर वो बोर्ड्स का जंक्शन बन रहा होता है अटैच हो रहे होते हैं वहाँ पर एक ए, ट्रांजिशन लाइन होती है कि जो शो कर रही होती है कि यहाँ पर दो डिफरेंट बोर्ड्स अटैच हुए हैं यहाँ पर आपके नील्स जो नील की होते हैं वो शो हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हो आप उसके ऊपर टेप लगाते हो इट्स लाइक पेपर टेप और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप फ्लोटिंग कर देते हो फ्लोटिंग मीनस के आप जॉइंट कंपाउंड या मर्डिंग कंपाउंड यूज़ करते हो और उसको ड्राई वॉल के जहां पे भी रफ सरफेस होती है या ट्रांजिशन होती है वहां पर आप उसमें वो आ, वो प्लेस करते हो जैसे कि यहाँ पर हम यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कंपाउंड मर्डिंग कंपाउंड मर्डिंग कंपाउंड ये होता है मोर लाइक मर्डिंग मोर लाइक वी हैव एज मोर लाइक वी ये आपका मर्टी कंपाउंड होता है ये आपका जो है वो जंक्शन बन रहा है ड्राई वॉल की दो बोर्ड शीट्स में या नील्स हैं तो उसके ऊपर आप टेपिंग करते हो और ये ज्वाइंट का कंपाउंड लगाते हो देन इज द टेक्सचर टेक्चर ये होता है कि ड्राई वॉल का आप स्मूथ फिनिश करना चाह रहे हो या थोड़ी सी रफ सरफेस रखना चाह रहे हो एंड दिस इज द टेक्स्चर फिर उसके अलावा ड्राई वॉल के लेवल, फिनिश लेवल्स होते हैं ड्राई वॉल फिनिश ड्राई वॉल फिनिश लेवल्स वो क्या होते हैं ये एक्चुअली एक टर्म डिफाइन की गई है जिसमें आप जो है वो ड्राई वॉल को डिफाइन करते हो कि इस इस तरह से प्रोसीजर है ये पहले डिस्कस भी कर चुके हैं तो वॉल लेवल जीरो क्या है नो फिनिशिंग जस्ट आपने हैंग किया है जब ड्राई वॉल को नेल कर दिया है तो ये आपका लेवल जीरो है नो no फिनिशिंग फिर जॉइंट कंपाउंड लगा दिया फिर उसको जैसे जैसे आप स्मूथ और प्लेन करते जाओगे वैसे वैसे उसके लेवल इंक्रीज होते जाएंगे तो समटाइम्स ये प्लान्स में मेंशन होता है कि आपने इस लेवल तक ड्राई वॉल का फिनिश करना है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को प्राइस करते हैं कि ड्राई वॉल में अगर जस्ट लेवल टू होना है तो इतना प्राइस होगा और अगर लेवल फाइव तक होना है तो इतना प्राइस अगर लेवल जीरो है जस्ट इंस्टॉल है तो उसकी प्राइस फिर डिफरेंट होती है कम्पेयर टू अदर लेवल्स देन इज वट वी हैव इज़ इंटीरियर फिनिशे इंटीरियर फिनिशेज में और क्या आ जाता है आपका कोई भी इंटीरियर फिनिशेज मटीरियल हो सकता है जो यूजली यूज़ होते हैं उनमें आपके आ जाते हैं पेंटिंग वेरी वेरी एंड मोस्ट कॉमन थिंग यहाँ पर या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड पेंटिंग हर जगह पर यूज़ होती है तो पेंटिंग इज द मोस्ट कॉमन उसको किस तरह क्वान्टिफाई करते हैं हम वॉल्स का और सीलिंग्स का स्क्वेयर फिट कर देते हैं जहाँ पर भी हमने पेंटिंग uh, का एरिया मार्क करना होता है देन एज है टाइल्स ऑब्वियसली जहाँ पर आपका बाथरूम होता है वहाँ पर यूज होती है यहाँ पर एक और चीज़ होती है वो होती है बैक स्प्लैश बैक स्प्लैश क्या होती है इट इज ऑल्सो आर टाइल जो कि किचन काउंटर्स पे इंस्टॉल की जाती है या बाथरूम काउंटर्स पर इंस्टॉल की जाती है ताकि वॉल के साथ आपकी मॉइस्टर कॉन्टेक्ट ना हो तो ये है आपका बैक स्प्लैश बैक स्प्लैश बैक स्प्लैश इज दिस थिंग कि आपका जो भी दिस थिंग जो भी आपका काउंटर है आपने ये टाइल इंस्टॉल कर दी तो इसको हम बैक स्प्लैश करते हैं तो दिस थिंग इज कोल्ड बैक स्प्लैश ये फुल हाइट भी हो सकता है और कुछ लिमिटेड हाइट तक भी हो सकता है तो इट इज योर बैक स्प्लैश तो ये भी होता है टाइल होती है टाइल आपके बाथरूम्स में यूजुअली होती है फोर फीट या फाइव फीट तक फाइव फीट तक यूजुअली वॉल टाइज होती है बाथरूम में और उसके ऊपर फिर पेंट होता है और उसके अलावा शिप लैप शिप लैब भी एक फिनिशिंग मटेरियल है जो कि यूज़ हो सकता है इंटीरियर साइड पर इसका भी हम सिम्पली स्वयर फीट कर लेंगे ये ऑलमोस्ट लाइक मोर लाइक साइडिंग जो आपकी एक्सटीरियर पर होती है उस तरह का ये ऑलमोस्ट होता है तो ये भी हो सकता है देन इज वी हैव है स्टूको स्टूको आपको पहले भी बताया है सीमेंट सैंड मोटर पेस्ट तो कलर्ड होता है वाइट भी हो सकता है वाइट आप कर देते हो और उसके ऊपर पेंट कर देते हो तो ये स्टूको भी आपका हो सकता है तो कोई भी फिनिश मटेरियल आपका इंटीरियर साइड पे है देन इज पेंटिंग पेंटिंग को थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं कि पेंटिंग में क्या क्या आपके आइटम्स आ जाते हैं जब आपको स्कोप डिफाइन किया जाए कि आपने पेंटिंग के लिए बेडर एस्टिमेट प्रिपेयर करना है तो आप क्या क्या आइटम्स इंक्लूड करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल और मोस्ट ऑबियस हैं वो आपकी हैं वॉल्स वॉल्स पर आपकी सारी की सारी पेंटिंग आएगी फिर उसके बाद आपकी सीलिंग्स आ जाएंगी वो भी सारी की सारी आ जाएंगे इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो वॉल कवरिंग होती है यूजली वही वो, वो भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ही इंस्टॉल करता है सेपरेट भी हो सकता है लेकिन यूजुअली क्या होता है कि पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ही वॉल कवरिंग करता है अब इसमें बताने की ज़रूरत ये है कि पेंटिंग और वॉल कवरिंग में हम ओपनिंग्स को एक्सक्लूड नहीं करते हम पेंटिंग के लिए डोर्स, विंडोज़ या जो भी ओपनिंग्स आती हैं उसमें पेंटिंग और वॉल कवरिंग के लिए क्वांटिटी या स्क्वेयर फीट को कम्प्लीटली इंक्लूड करते हैं इंक्लूडिंग द डोर्स एंड विंडोज़ रीज़न क्या है कि रीज़न इसमें पेंटिंग के लिए ये है कि पेंटिंग इज़ लाइक लिटल चीपर मटेरियल तो हम उसको भी कवर कर देते हैं कि वेस्टेज में वो इंक्लूड हो जाता है सेकेंड इज़ वॉल कवरिंग फॉर एग्जांपल एक वॉल में आपके डोर है तो आप जब वॉलपेपर इंस्टॉल करोगे तो आप एंड टू एंड इंस्टॉल करोगे इंक्लूडिंग द डोर और उसके बाद आप जो डोर का पीस है वो कट कर दोगे तो इस तरह से आपका जो आप जो कट वाला होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा ये क्यों किया जाता है ताकि आपका जो वॉलपेपर का टेक्सचर है वो स्मूथ और प्लेन रहे विदाउट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी कि जो भी आपका डिज़ाइन है या टेक्सचर है वो आपका कंटिन्यूसली वॉल पर थ्रू आउट सेम सेम वे में पेस्ट uh, हुआ हो अच्छा उसके बाद है हमारे पास पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ने एक और काम भी करना होता है वो क्या होता है वो होता है सील्ड कंक्रीट अगर नीचे कंक्रीट है तो उसके ऊपर एक सीलेंट ए, सीलेंट जो है वो ब्रश किया जाता है या कह लो कि ले किया जाता है पोर किया जाता है क्लियर इस ये भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में आता है देन इज ए फ्लोरिंग पॉक्सी फ्लोरिंग इज कलर्ड फ्लोरिंग तो ये भी ए, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली करता है देन इज़ द डोर्स आप डोर्स जितने भी हैं उनको काउंट करोगे सिंगल डोर्स हैं वुड के हैं सिंगल डोर्स मेटल के हैं या फिर किसी और मटेरियल के हैं तो आप डोर्स काउंट करोगे और उनके साथ साथ उनके फ्रेम्स भी तो डोर्स और फ्रेम्स आप काउंट करोगे कि ये सिंगल हैं या डबल हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा हो रही है देन इज द ट्रिम्स ट्रिम्स भी पेंट होंगी ट्रिम्स क्या हैं जो आपके विंडोज़ के अराउंड आ रही होंगी डोर्स के अराउंड आ रही होंगी या और कहीं पे भी फिनिश ट्रिम्स आ रही हैं एक्सटीरियर में इंटीरियर में कहीं पर भी फैशिया तो वो सारी की सारी आपकी कवर होती हैं पेंटिंग में Then इज़ एक्सटीरियर पेंटिंग एक्सटीरियर पेंटिंग का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फसाद वक्स में कि जितने भी आप एक्सटीरियर के फिनिश मटेरियल्स को कवर करोगे उन सब के आइटम्स के लिए आपने पेंटिंग भी इंक्लूड करनी है हमेशा अनलेस कि उसने मेंशन किया हो कि ये प्री पेंटेड है फॉर example अगर आपने साइडिंग परचेज की है तो वो ऑलरेडी पेंटेड है या एलुमिनियम पैनल हैं उन पर पेंट नहीं करना अगर मैंशन किया हो तो फिर हम इंक्लूड नहीं करेंगे अदरवाइज हम हमेशा इंक्लूड करेंगे दैन इज़ द रेलिंगस रेलिंग्स जब भी होंगी आपकी हमेशा पेंट होंगी साइड स्ट्रिपिंग साइड स्ट्रिपिंग जो है वो <coughs> साइड स्ट्रिपिंग के आपकी फॉर एग्जांपल पार्किंग के लिए लाइन्स ड्रॉ की हुई है साइट स्ट्रिपिंग पार्किंग के लिए आपकी लाइन्स हैं या फिर पार्क साइड स्ट्रिपिंग या फिर आप कह लो कि साइड स्ट्रिपिंग पेंटिंग या फिर आपके कोई प्ले हैं उन पर कोई पेंट हुआ हुआ है जैसे ये है ये आपकी अगर बास्केटबॉल कोर्ट है तो उसमें ये आपने पेंट कर दिया या फिर कहीं पे भी पार्किंग के लिए पार्किंग के लिए आपकी यूजुअली क्या होता है कि पार्किंग एरियाज डिफाइन किए होते हैं एरोज बने होते हैं सिंबल्स बने होते हैं ये सिंबल्स बने होते हैं एडीए सिंबल्स बने होते हैं तो जितने भी आपकी आएंगी इन ये भी सारी ये पेंटिंग कॉन्ट्रेक्टर आपका करेगा देन इज द बोलार्ड्स बोलाड्स क्या होते हैं एक्सटीरियर पर यूजली आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि ये कुछ बैरियर्स इंस्टॉल किए जाते हैं उन पर भी पेंट होता है तो हम उनके भी काउंट्स इंक्लूड करेंगे बोलाड पेंटिंग तो इस तरह से आपका पेंटिंग में ये सारे के सारे आइटम्स इंक्लूडेड होंगे नेक्स्ट इज वी हैन डू इट फॉर द प्रोजेक्ट ना तो प्लान स्विफ्ट ओपन करते हैं और अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और उसमें कुछ फिनिशेस मार करते हैं और फिर आई वुड डिफाइन कि किस तरह से ये आपका हो सकता है क्या होता है कि जितने भी आपके पास फिनिशेस होते हैं फिनिशेस में आपके आ जाते हैं वॉल फिनिशेस, फ्लोर फिनिशेस, सीलिंग फिनिशेस, बेस फिनिशेस। यस आई फॉर गॉड टू डिफाइन यू गाइस कि और फिनिशेस में क्या क्या आ जाता है और फिनिशेस में आपके आ जाती हैं फ्लोर फिनिशेस, फ्लोर फिनिशेस में क्या हो सकती हैं टाइल्स सील्ड कॉन्क्रीट पॉक्सी फ्लोरिंग

कुछ एरिए यूके में इसको स्कर्टिंग कहते हैं तो पाकिस्तान में भी हम इसको स्कर्टिंग कहते हैं वहां पर यूजली इसको बेस कहा जाता है वॉल या बेस बोर्ड बेस तो ये आप लीनियर फिट में क्वांटिफाई करते हो और फिर उसके बाद आपके पास एक चीज होती है वीन स्कॉट वट जो होता है वो आपका वॉल पैनल्स कुछ हाइट तक होते हैं इसको हम हाइट मेंशन करके इसको भी हम लीनियर फिट में कर देते हैं या फिर हम स्क्वायर फिट में भी कर सकते हैं It depends. तो ये आपकी होती है ये आपका है फिर आपके हो हो सकते हैं। वाल पैनल्स। वाल पैनल्स हो सकते हैं हैं तो तो आप उनको भी में इस तरह से कवर कर लोगे तो ये आपका अब लेट्स के हमारे पास क्या है अच्छा ये जो आपके पास वॉल फिनिशेस फ्लोर फिनिशेस सीलिंग फिनिशेस और बेस फिनिशेस इनके लिए आपको गिवन होता है फिनिशेज फिनिश स्केजल अभी जो हमारे पास प्रोजेक्ट है उसमें फिनिश स्केजल गिवन नहीं है तो आई वुड टेल यू इस तरह से आपके पास रूम फिनिश स्केजल होता है जिसमें बताया होता है कि ये लेवल है रूम ये है उसका नेम ये है तो उस पर फ्लोर फिनिश में यहाँ पे ये आ रहा है सीलिंग फिनिश पे ये आ रहा है वॉल फिनिश पे ये आ रहा है इस तरह से ये जैसे है तो रूम नेम बताया हुआ है फ्लोर पे मटेरियल बताया हुआ है और उसकी बेस बताई हुई है वॉल्स पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों डायरेक्शन में बताया हुआ है कि वॉल फिनिशेस क्या हैं और सीलिंग्स पे बताया हुआ है कि आपके पास क्या फिनिश आ रहा है सीलिंग्स में यूजुअली दो तरह के फिनिशेस होते हैं सीलिंग्स में दो तरह के फिनिशेज क्या होते हैं आपके पास ड्राई वॉल होता है या फिर सीलिंग फिनिशेज या तो आपके पास ड्राई वॉल होता है या फिर आपके पास ए होता है ए सी टी और ड्राई वॉल ड्राई वॉल तो आपको पता है कि जिप्सम बोर्ड के बोर्ड्स होते हैं और ए सी टी ए सी टी सीलिंग जो आपके यूजली ऑफिस में होता है तो ये टाइल होती है टू बाई फोर की या टू बाई टू बाई फोर की या फोर टू बाई टू की होती है या टू बाई फोर की यूजली होती है लेकिन डिपेंड्स कि ये डिफरेंट साइजेस की हो सकती है सो दिस इज़ अबाउट अच्छा अब उसके बाद ए सी टी को कैसे क्वान्टिफाई करते हैं ए सी टी के लिए भी आप सिंपली स्क्वेयर फीट मार्क करोगे जितने भी एरिया का है फॉर द दिप्लीफिकेशन अदरवाइज ये इससे मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ए सी टी में क्या क्या आइटम्स होती हैं ए सी टी में एक तो आपके पास होती हैं ये सस्पेंशन वायर्स सस्पेंशन केबल्स ये होती हैं फिर उसके बाद आपके पास दो होती हैं ये इसकी फ्रेमिंग के मेंबर्स एक होती है आपकी मेन टी और एक होती है क्रॉस टी मेन टी होती है आपकी शॉर्टर डायरेक्शन में और जो सेकंड है क्रॉस टी वो आपकी होती है इन द लॉन्गर डायरेक्शन तो उसमें फिर आप पैनल्स इंस्टॉल करते हो अब अगर आपने क्वांटिफाई करना हो लाइक दिस कि मेरे पास मेरे पास यहाँ पर लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ वन मोर डिफाइन कर लेते हैं फॉर एसीटी एसीटी में आपका एकूस्टिक होता क्या है एकूस्टिक सीलिंग टाइल साइज के डिफरेंट हो सकते हैं टू बाई टू या फिर टू बाई फोर या फिर और डिफरेंट टाइप्स और फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इसमें आता क्या क्या है इसमें सबसे पहले आप सस्पेंशन वायर्स फिर उसके बाद आपके पास आ जाती हैं टीज फिर उसके बाद आ जाती हैं आपके पास क्रॉस टीज फिर आपके पास पेरीमीटर मोल्ड या फिर वॉल एंगल इसको कहते हैं और फिर उसके बाद आपके पास टाइल्स आ जाती हैं तो सस्पेंशन वाइज टीज क्रॉस टीज पेरीमीटर मोल्ड या फिर वॉल एंगल और टाइल्स तो आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर कि ये जो आप एंड पर वॉल के साथ अटैच करोगे इसको पेरीमीटर मोल्ड या फिर वॉल एंगल कहा जाता है इसको आप मार्क कर लोगे अपने टाइल्स का पेरीमीटर वॉल के साथ तो आपके पास पेरीमीटर मोल मोल्ड या वॉल एंगल की क्वांटिटी आ जाएगी देन इज वी हैव मेन टीज एंड क्रॉस टीज अब आप जो है वो किस तरह से करोगे जैसे हम इनफोर्समेंट कैलकुलेट की थी आप जो आपके पास एरिया होगा आप उस एरिया को डिवाइड कर दोगे स्पेसिंग से जो भी क्रॉस टीज की है या मेन टीज की है तो आपके पास उनकी लेंथ आ जाएगी लेट्स से यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता दे दे हूँ कि आपके पास एक टाइल है ग्रे टूल फॉर एग्जांपल ये है टू बाय फोर ए सी टी तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आप कर दो टू और दूसरी डायरेक्शन में फोर और एरिया यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ ये मैंने एरिया मार्क कर दिया यहाँ पर लेट से ये आपकी ए सी टी टाइल्स हैं अब ए सी टी टाइल्स हैं तो आपने अगर इसके सब आइटम्स को क्वांटिफाई करना है तो आप क्या करोगे नॉट श्योर sure कि इसका स्केल ओके okay. एक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी वो ये कि टू बाई फोर मुझे फीट में डिफाइन करना है ना के तो ट्वेंटी फोर और यहाँ पर फोर्टी एट तो फिर आपके जो है वो यहाँ पर दोबारा से अब क्लियर ग्रेड पहले वो इंचेस में आपके बॉक्स ग्रेड लाइंस बन गई थी तो ये आपकी जो है वो टू बाई फोर की अब एसीटी लाइन ड्रॉ हो गई है लेट्स लेट्स से दिस वे तो दिस थिंग इज टू एंड दिस इज फोर तो टू बाई फोर की आपके पास ये टाइल आ जाएगी अब आपने सारी की सारी क्वांटिटीज़ में क्वांटिफाई करनी है तो आप क्या करोगे एक तो एरिया मार्क करोगे लेट्स से ये तो मैंने खुद ड्रॉ किया है ये यूजुअली आपको प्लान्स में इस तरह से गिवन होता है तो आप यहाँ पे करोगे ए सी टी जो भी साइज़ का आप टू बाई टू ए सी टी सॉरी ये आपके टू बाई फोर है तो टू बाई फोर ए सी टी आप एरिया इसका मार्क कर लोगे तो ये आपके पास ए सी टी की इस तरह से क्वान्टिटी आ जाएगी फीट में। Then is, अगर आपने इसका पेरीमीटर मोल्ड करना है तो आप क्या करोगे पेरीमीटर मोल्ड और आप इसका जितना भी पेरीमीटर है उसको मार्क कर लोगे तो आपके पास पेरीमीटर मोल्ड आ जाएगा या वॉल एंगल की क्वांटिटी आ जाएगी देन इज आप चाहते हो कोई मेरे पास मीन टी और क्रॉस टीज की क्वांटिटी आ जाए तो आप क्या करोगे जो भी आपका एरिया है फोर फाइव जीरो सिक्स है तो आप इसको डिवाइडेड बाय टू करोगे तो आपके पास वन डायरेक्शन में मेटिस की आ जाएगी फिर आप इसको डिवाइड इसी एरिया को डिवाइड बाय फोर करोगे तो आपके पास इस डायरेक्शन में क्रॉस टीज की को की लेंथ आ जाएगी फिर उसके बाद आपके पास मेन टीज और क्रॉस टीज की जब क्वांटिटी आ जाएगी तो फिर आपको ये क्राइटेरिया बताया होगा कि सस्पेंशन वायर्स जो हैं वो क्रॉस टीज पर इंस्टॉल हो रही हैं एड जस्ट मच स्पेसिंग तो आप क्या करोगे क्रॉस टीज की जितनी भी लेंथ होगी या मेन टीज की जितनी भी लेंथ होगी उसको डिवाइड कर दोगे बाय द स्पेसिंग ऑफ़ द सस्पेंशन वायर्स तो आपके पास काउंट्स आ जाएंगे कि कितनी सस्पेंशन वायर्स को हैंग किया गया हुआ है तो वहां से आपके पास सस्पेंशन वायर्स के काउंट्स आ जाएंगे तो इस तरह से हम ए को क्वान्टिफाई करते हैं यहाँ फिर सिंपली हम ये कह देते हैं टू बाई फोर ए सी टी विथ सस्पेंशन सिस्टम तो उसमें हम प्राइस इंक्लूड कर देते हैं उन सब आइटम्स की ओके सो so अब हम करेंगे यहाँ पर इंटीरियर फिनिशेस इंटीरियर फिनिशेस में आप क्या करोगे सबसे पहले आप इंडेक्स में जाओगे और इंडेक्स में जाओगे और आप देखोगे कि यहाँ पे आपका फिनिशे स्कैज गिवन है लेकिन इसमें हमें फ़िनिशेज कैजुल नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे इसके कुछ सेक्शन चेक करेंगे डिटेल चेक करेंगे कि हमें कुछ बताया हुआ है कि इंटीरियर साइड पर क्या फिनिश हो रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कहीं पर भी बताया हुआ है कि कहाँ पर क्या फिनिश हो रहा है इंटीरियर साइड पे ये हमें बताया हुआ है वुड फ्लोरिंग आ रही है डेकिंग पे और नीचे वाले फ्लोर पे कुछ नहीं है कॉन्क्रीट जैसे शो की हुई है, तो कोई फिनिश नहीं बताया हुआ यहाँ पर भी कोई फिनिश नहीं बताया हुआ तो इस तरह से हमें यानी आप कह लो कि इंटीरियर फिनिशेस का नहीं बताया हुआ है जस्ट ये बताया हुआ है वुड फ्लोरिंग कुछ रूम्स के ऊपर आ रही है तो हम जाएंगे अपने प्लान में विच इज़ फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में क्या करेंगे सबसे पहले मार्क कर देते हैं फ्लोर फिनिशेज तो हम यहाँ पर करेंगे वन वन। बाय फोर इज़ इक्वल टू और हम जो हैं, जब हमें नहीं गिवन होता है तो हम इस तरह से करते हैं कि हर रूम का अलग से एरिया मार्क कर लेते हैं स्टोरेज रूम फ्लोरिंग और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको फ्लोर फिनिशेज तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से ये मार कर देंगे स्टोरेज रूम इसी तरह से फिर ये नेक्स्ट है आपके पास बाथरूम तो आप यहाँ पे कर दोगे बाथरूम और इसका एरिया मार कर लोगे बाथरूम तो बाथरूम का एरिया आप यहां पर इस तरह से मार कर लोगे देन इज यू हैव इज गिराज तो आप यहाँ पे करोगे गिराज और गिराज का एरिया इस तरह से आप मार्क कर लोगे गिराज इस तरह से आपका गिराज का एरिया मार्क हो जाएगा अब रिमेंबर कि ये हमें फिनिशेस अब ये बताया हुआ है भाई टाइल फ्लोरिंग इन फॉयर तो हम यहाँ पर फॉयर ने लिखेंगे हम लिखेंगे डायरेक्टली टाइल फ्लोरिंग क्योंकि हमें फिनिश मटेरियल बताया हुआ है बाकी एरियाज में हमने इसलिए इस तरह से रूम वाइज मार्क की है क्योंकि हमें फिनिश कैजुअल या फिनिश टाइप नहीं बताई हुई थी अब यहाँ पर हमें गिवन है तो हमने यहाँ पर इस तरह से ये मार्क कर ली टाइल फ्लोरिंग इसी तरह से हमने सेक्शन चेक किया तो उसने सेकंड फ्लोर पर शो किया हुआ था कि हार्ड फ्लोरिंग आ रही है यहां यहां पर ये ये देखो यह लिखा हुआ है इंजीनियर वुड फ्लोरिंग सेकंड फ्लोर तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एरिया और यहाँ पर लिखेंगे इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग इंजीनियर वुड फ्लोरिंग के फ्लोरिंग के लिए जो है वो वुड फ्लोरिंग जो है वो स्पेशल मेड है तो आप इस तरह से यहाँ पर ये एरिया मार कर लोगे फ्लोरिंग का तो ये आप सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा किस में ये आपका सारा का सारा एरिया कवर हो जाएगा आपका वुड फ्लोरिंग में तो ये आपकी वुड फ्लोरिंग मार्क होगी इसी तरह से आप जहाँ पर भी अगर तो आपका फिनिशेज का आइडिया है या तो फिनिश कैजल से या फिर आपको यहाँ पर मेंशन बताया हुआ है तो फिर आप वो उस तरह से मार्क कर लोगे अदरवाइज आप क्या करोगे रूम वाइज एरिया मार्क कर दो अब यहाँ पे इंजीनियर वुड फ्लोरिंग बताया हुआ है तो मैंने इंजीनियर वुड फ्लोरिंग सारी की सारी मार्क कर ली अगर ना बताया होता तो फिर मैं हर रूम का सेपरेट मार्क करता तो इस तरह से आप जो है वो ये फ्लोरिंग मार्क कर लोगे देन इज बेस बेस आपको जैसे मैंने बताया कि होती है स्कर्टिंग तो आप यहाँ पे लिखोगे बेस इन फॉयर क्योंकि मुझे बेस फॉयर की बेस का नहीं बताया हुआ तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से क्वांटिटी मार्क कर लूँगा और बेस जो है वो आपके डोर्स के नीचे नहीं आती जबकि विंडोज़ के नीचे आती है क्योंकि विंडोज़ जो है वो फ्लोर तक नहीं होते जबकि डोर जो है वो आपकी ओपनिंग फ्लोर तक होती है तो इस तरह से आप डोर्स को एक्सक्लूड करते जाओगे विंडोज के नीचे आप मार्क करते जाओगे तो इस तरह से आपकी ये बेस कवर हो जाएगी जितने भी फ्लोर्स पे आप मार्क करना चाहोग तो इस तरह से रूम वाइज आप करते जाओगे अगर आपको फ्लोरिंग बेस का मटेरियल नहीं गिवन लेकिन अगर मटेरियल गिवन है तो आप मटेरियल का नेम मेंशन करके वो मार्किंग करते जाओगे अच्छा दूसरा इसमें अगर सेक्शन चेक किया जाए तो सेक्शन में मेरे ख्याल में हमें बेस का शायद आइडिया

सिर्फ और सिर्फ जो आपके रेस्ट रूम्स होते हैं या बाथरूम्स होते हैं उनमें आप मार्किंग करते हो टाइल्स की और फिर उसके ऊपर आप मार्किंग करते हो पेंट की तो अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल आपने फॉयर का कर करना है तो आप लिखोगे यहाँ पे पेंट ऑन फॉयर वॉल्स और यहां पर आप इसको कर दोगे वॉल्स फिनिश वॉल्स फिनिश तो वॉल्स फिनिश जो है वो आप इस तरह से इसमें आप कोई भी ओपनिंग एक्सक्लूड नहीं करोगे तो इस तरह से ये आपके पास फिनिश का आपने लेंथ मार्क कर ली और आप इसके सेक्शन से हाइट चेक कर लोगे हाइट फॉर एग्जांपल आपके पास जो ग्राउंड फ्लोर की है वो आपके पास है इलेवन फीट टेन इंचज थी इलेवन फीट टेन इंचज है तो मेरे ख्याल में इसके नीचे नीचे आपकी फिनिश की जो आपकी हाइट है वो आपकी ये है वो आपकी है टेन फीट नाइन इंचेस तो आप क्या करोगे यहाँ पर मेंशन कर दोगे टेन फीट टेन फीट नाइन हाई पेंट ऑन वॉल्स आप इसको इवन में भी कर सकते हो 11 फीट हाई पेंट ऑन फायर वॉल्स तो इस तरह से आप कर दोगे पेंट 11 फीट हाई पेंट ऑन गिराज वॉल्स तो इस तरह से आप पेंट यहां पर मार्क कर दोगे तो इस तरह से आपके पास ये पेंटिंग भी मार्क हो जाएगी। और फिर बाथरूम तो बाथरूम में जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीजें मार्क होंगी एक मार्क होगा टाइल फाइव फिट हाई टाइल ये है एज्यूम बेसिस पे टाइल और आप यहां पर इसको इस तरह से मार्क कर दोगे टाइल में रिमेंबर कि आपकी डोर इंक्लूड नहीं होते इस तरह से आपकी टाइल मार्क हो जाएगी फिर आप इसके ऊपर पेंट भी मार्क करोगे जो बाकी लेफ्ट ओवर हाइट है जैसे आपकी फॉर एग्जांपल 11 फीट हाई वॉल की टोटल हाइट है 5 फीट हाइट तक आपने वॉल मार्कर वॉल टाइल मार्क कर लिए तो ऊपर आपने पेंट मार्क करनी है तो आप लिखोगे 6 फीट हाई पेंट और इसमें ये मार्क कर लोगे ओपनिंग्स एक्सक्लूड नहीं करोगे इस तरह से आपका ये मार्किंग हो जाएगी सारे के सारे वॉल फिनिशेस की अब फिर आपके पास आ जाएगा सीलिंग फिनिशेस तो सीलिंग फिनिशेस के लिए आप दो मैथ दो तरीके से कर सकते हो एक तो ये कर सकते हो कि जितना आपका जिप्सम बोर्ड सीलिंग थी जो आपने फ्लो फ्रेमिंग मार्क करते हुए किया था एरिया मार्क या तो आप वही जिप्सम बोर्ड का एरिया यूज कर लो या फिर आप क्या करो यहाँ पर एरिया एक और क्रिएट करो और उस पर लिख दो कि पेंट एट सीलिंग्स और यहाँ पर आप मार्किंग करते जाओ उस एरिया की तो आपके पास सीलिंग की क्वांटिटी आती है सीलिंग पे कितना पेंट हो रहा है उसकी क्वांटिटी आपके पास आती थी यहाँ तो इस तरह कर सकते हो यहाँ फिर आपने जो फ्लोर मार्क किया है आप उसी में लिख दो ग्राज फ्लोर प्लस सीलिंग्स तो आपके पास वही आप एरिया आप यूज कर सकते हो सीलिंग के लिए और वही एरिया आप यूज कर सकते हो फ्लोरिंग के लिए तो इस तरह से आपके वॉल्स फ्लोर्स सीलिंग्स और बेस फिनिशेस फिनिशे किए जाते हैं ओके तो इसमें और क्या है डिटेल और ऐसा कोई डिटेल नहीं है जो कि इतनी डाउटफुल हो कि उसको कैसे क्वांटिफाई करना है तो सिंपली आपने इस तरह से क्वांटिफाई करना है वॉल्स के पैरामीटर मार्क करोगे तो वॉल पेंटिंग आ जाएगी बाथरूम में है तो आप फाइव फिट हाई टाइलेज यूम कर लोगे और टलेज कर दोगे और दूसरा आप उसके ऊपर पेंट मार्क कर लोगे फिर उसके बाद इसी तरह से वॉल उसके बाद फ्लोर एरिया करोगे और सीलिंग एरिया मार्क करोगे तो आपके पास वाल्स फ्लोरिंग, वाल्स और फ्लोरिंग वॉल्स और वॉल्स फ्लोर सीलिंग और बेस सारे के सारे फिनिशेस आपके कवर हो जाएंगे वन थिंग जो आपकी यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है वो आपको जो मैंने पहले भी बताया कि फिनिशेज यूजुअली क्या होता है ड्राइंग्स में फिनिशे कैजल गिवन होता है और उसमें रूम वाइज हर रूम की वॉल्स का फ्लोर्स का सीलिंग्स का बेस का फिनिश डिफाइंड होता है तो हम वही मटेरियल्स वहाँ से कंफर्म करके हर रूम में मार्क करते जाते हैं तो रूम वाइज हमें क्वांटिटीज मार्क करने की ज़रूरत नहीं है हम एक ही लाइन आइटम में कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर 11 फीट हाई पेंट है गिराज में और बाकी सब रूम्स में भी सब फ्लोर्स पर सब रूम्स में 11 फीट ही हाइट है और सब में पेंट हो रहा है तो हम एक ही आइटम में उन सब क्वांटिटीज को मार कर सकते हैं सेपरेट हम तब करेंगे जब स्पेसिफिकली हमें रिक्वायर्ड होगा तो इसको अब हम एक दफा शीट में भी कर लेते हैं अगेन के आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से इसको आप कर सकते हो तो यहाँ पर मी ओपन वन शीट जोश प्रिंटिंग्स को मैक्स ओके लेट्स से कि आपकी ये शीट है तो इसमें आप जाओगे और इसमें आप इसको करोगे कॉपी एंड पेस्ट तो आप यहां पर इसको डिवाइन कर दोगे डिवीजन नाइन डिवीजन नाइन इज़ फिनिशेस तो इसमें आपके पास जो आ जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे यहां पर इंक्लूड फिर कॉपी करो और यहाँ पर इंक्लूड फिर कॉपी करो और यहाँ पर इंक्लूड तो ये आपके पास आ जाएंगे वॉल फिनिशेस इज यू हैव फ्लोर फिनिशेस देन यू हैव बेस फिनिशेस फिनिशेस और देन यू हैव इज सीलिंग फिनिशेस तो वॉल फिनिशेस में आप लेट्स से जो भी हमने क्वांटिटीज़ की हैं उनको एक्सपोर्ट कर लेते हैं Estimating. Collapse और wall finish, floor finishes, तो इसको करोगे आप। अच्छा एक और चीज वो डिफाइन करना जरूरी है कि आपके पास जो सब स्ट्रेड है ऑफ फिनिश तो उसको भी डिफाइन करना समाइम इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे लट से हमारे पास इस प्रोजेक्ट में दो मटेरियल्स वॉल्स के आ रहे हैं एक आ रहा है सीएमयू वॉल्स एक्सटीरियर जो हमने मार्क किए थे और बाकी जो इंटीरियर वॉल्स हैं या अपर लेवल की वॉल्स हैं उन सब पर ड्राई वॉल आ रहे हैं तो ये भी मेंशन करना जरूरी होगा कि हम सीएमयू वॉल्स पर पेंट कर रहे हैं या फिर ड्राई वॉल पर पेंट कर रहे हैं क्योंकि सी एम यू पेंटिंग इज़ लाइक मोर एब्जॉर्बेंट ऑफ द फिनिश और उस पर जो है वो स्पेशल पेंट रिक्वायर्ड होगा जबकि जो ड्राई वॉल है उस पर आ, पेंट जो है वो डिफरेंट क्वालिटी का रिक्वायर्ड होगा तो आपके जो हैं इस तरह से या आप मटेरियल तो भी डिफाइन कर दोगे तो आपके लिए प्राइस करना और जो आपकी बेड प्राइस है वो ज्यादा बेटर वे में पेंट सीएमई वॉल्स और पेंट जिप्सम बोर्ड वॉल्स सो ये आपने पेंटिंग कर ली और आपका सिर्फ और सिर्फ यही है वॉल फिनिशेस में यहाँ फिर अगर आपने जिप्सम बोर्ड भी किया हुआ है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि फाइव बाई एट कवर की हुई है देन इज वी हैव फ्लोर फ्लोर फिनिशेस फिनिशेस तो में जो आपने एरियाज मार्क किए हुए हैं से आपने टाइल फ्लोरिंग मार्क की थी और बाकी आपने मार्क की थी इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग मार्क की थी और उसके अलावा आपने रूम वाइज बाकी फ्लोरिंग मार्क की थी इसी तरह से बेस है बेस आपने वो भी रूम वाइज मार्क की है

तो आपके पास सीलिंग का सी, वो वॉल्स की आ जाता है इसी तरह से आप सॉफेट का भी मार्किंग करोगे तो लेट्स से कि एक, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये है तो अब ये भी ड्राई वॉल है ये भी ड्राई वॉल है यहाँ पर भी पेंट हो रहा है यहाँ पर भी पेंट हो रहा है जब आप प्लान से हॉरिजॉन्टल एरिया मार्क करोगे उसमें आप इसकी अंडर साइड मार्क कर लोगे इसकी अंडर साइड मार्क कर लेकिन ये जो वर्टिकल सॉफेट है ये आपका स्किप हो जाएगा तो आप फॉर एग्जांपल इसकी टू फिट हाइट है तो आप mention, आप लिख में mention करोगे two feet high paint, उसका linear fit mark कर दोगे तो आपके पास सॉफ्ट फिट की जाएगी तो लेट से शीट अपनी प्रिपेयर की है उसमें आप किस तरह से इसको कर सकते हो तो लेट से कि आपके फ्लोर फिनिशेज हैं तो फ्लोर फिनिशेज की आप एरियाज कॉपी करोगे और आपने फ्लोरिंग की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो आपके पास क्वांटिटीज आ गई और आपके पास सब कुछ आ गया तो आपने ये इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया तो ये आपके पास फ्लोरिंग कवर हो गई देन यू हैव इज द बेस फिनिशेस तो बेस फिनिशेस की भी आपने जहाँ जहाँ पर जितनी मार्किंग की होगी लीनियर फिट में वो कॉपी करोगे और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो ये आपका लीनियर फिट में क्वांटिटी आ जाएगी बेस की यूजुअली क्या होता है कि जो फ्लोरिंग होती है उसी से बेस का फिनिश मटेरियल मैच कर रहा होता है तो इसीलिए जो फ्लोरिंग है वही बेस इंस्टॉल करता है इसी तरह से आपके वॉल फिनिशेस हैं तो वॉल फिनिशेस में फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्वान्टिटी मार्क की थी वॉल्स पर गिराज में लेट से जिप्स वो आपकी सीम ही वॉल्स हैं अगर तो वन वन टू की क्वान्टिटी है और इलेवन फिट हाई है तो आप क्या करोगे यहाँ पर आओगे और सी एम में वन टू टाइम्स इलेवन फीट उसकी हाइट है तो ये आपके पास पेंट फीट में आ जाएगा और इसी तरह से लेट से कि आपने जो जिसमें बोर्ड वॉल्स की लीने फिट क्वान्टिटी की हुई है वो आपके पास लेट से है नाइन्टी फाइव तो आप क्या करोगे यहाँ पर mention कर दो इज इक्वल टू टाइम्स मैं तो आपके पास यहाँ पर ये स्कोर फीट में क्वान्टिटी आ जाएगी अब ड्राई वॉल वो भी जिस तरह से हमने वॉल फिनिशेस मार्क किए हैं इसी तरह से ड्राई वॉल आपकी हो गई तो ड्राई वॉल की क्वांटिटी यूजुअली क्या होता है जो आपकी पेंट क्वांटिटी होती है उसी से मैच कर रही होती है तो इस तरह से आपका ये ड्राई वॉल क्वांटिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी और जिप्सम बोर्ड वॉल्स पे पेंट और सीएम जब भी आप जिप्सम बोर्ड जहाँ भी मार्क न्यू इंस्टॉल करोगे वहाँ पर आप पेंट भी करोगे लेट्स से के कभी इस तरह प्रोजेक्ट में होता है कि वो कहता है कि ऑल द एग्जिस्टिंग हाउस एग्जिस्टिंग टू रिमेन जस्ट आपने क्या करना है आपने इस वॉल में इस काउंटर के पीछे सिक्स फीट जो है वो अपना ड्राइव वॉल रिप्लेस करना है वॉल पर तो आप ड्राइव वॉल जो है ड्राइवर की क्वांटिटी तो इतनी ही कैलकुलेट करोगे लेकिन जो पेंट की होगी वो आप एंड टू एंड कैलकुलेट करोगे क्योंकि जब भी पेंट किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैच को रिपेयर करने के लिए नहीं किया जाता जबकि पैच या रिपेयर कोई भी किया जाता है वॉल में तो एंड टू एंड पेंट इंक्लूड किया जाता है लेट्स से कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस रूम्स में कुछ लोकेशंस पर पैच किए फॉर एग्जांपल आपने एक इस वॉल पर किया एक इस वॉल पर किया और एक इस वॉल पर किया तो आप पेंट जितना जितना पैच है उतनी पेंट की क्वांटिटी नहीं करोगे बल्कि आप पूरे रूम की दोबारा से पेंट की क्वांटिटी मार्क करोगे क्योंकि इसी तरह से पेंट किया जाता है ओके देन वी हैव एज वॉल फिनिश में हमारे पास एक और चीज़ है वो है टाइल आपकी तो आप इस तरह से कर दोगे यहाँ पर जी ये है फाइव फिट हाई टाइल तो आप इसको इसको करोगे इसको आप कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो ये आपकी हो जाएगी फाइव फिट हाई तो फाइव टाइम्स दिस और इसको आप इस तरह से कर दोगे तो आपके पास इस तरह से आपके पास टाइल आ जाएगी तो बाकी अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं गिवन तो आप क्या करोगे आप इस तरह से इसमें करोगे और नॉट पे ऐड कर दोगे प्लीज नो मटेरियल डिटेल्स प्लीज कन्फर्म अब इसमें हमें फिनिशेज नहीं गिवन था और ना ही हमें बताया गया कि कौन सी टाइल रेज्यूम uh, क्या फिनिशर रेस्ट रूम में तो आप क्या करोगे इस तरह से नोट ऐड कर दोगे ताकि वो कंफर्म तो कर दो नो मटेरियल डिटेल्स प्लीज कंफर्म तो इस तरह से आपकी जो है वो ये क्वांटिटी फिगर आउट हो जाएगी यहाँ फिर अगर आपके फिनिशेस कुछ भी नहीं गिवन थे कोई भी डिटेल नहीं थी तो आप क्या करोगे आप इस तरह से करोगे कि यहाँ पर एक कैपिटल में नोट मेंशन कर दो यहाँ बिल्कुल एंड पे कर दो कि नोट नो फिनिश मटेरियल डिटेल्स मटेरियल्स डिटेल्स आर गिवन प्लीज कंफर्म ऑल मटेरियल्स एज्यूम्ड ठीक है तो इस तरह से आप इसको नोट कर दो बोल्ड तो जब भी वो इसको प्राइस करने लेगा ही वुड हैव द आइडिया कि ठीक है ये ये एज्यूम की हुई है इन इन रूम्स में तो वो कंफर्म कर लेगा कॉन्ट्रेक्टर कि ठीक है मैंने इन रूम्स में ये ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने मटीरियल्स को प्राइस कर लेगा ताकि बेड जो है वो आपकी बेटर हो सो दिस इज़ अबाउट हाउ वी एस्टीमेट फ्लोर्स वॉल्स सीलिंग्स एंड बेस फिनिशेस तो इस तरह से आपका ये सारी की सारी क्वांटिटीज कवर अप हो जाएंगी डिजन नाइन फिनिशे में एक और चीज़ होती है वो होती है रजीलियन चैनल्स रजीलियन चैनल्स क्या होते हैं उसका भी मैं आपको बता दूँ रजीलियन चैनल्स ड्राई वॉल के लिए यूज किए जाते हैं रजीलियन चैनल्स रजीलियन चैनल्स आपके ड्राई वॉल के लिए यूज किए जाते हैं वो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप क्या करते हो कि जो आपकी फ्लोर फ्रेमिंग या वॉल फ्रेमिंग है उसके ऊपर आप ये चैनल इंस्टॉल कर देते हो इस तरह के होते हैं हेड चैनल्स या जी चैनल्स उनको इंस्टॉल करते हो और उसमें फिर ड्राई वॉल फिक्स करते हो इससे क्या होता है कि आपके ड्राई वॉल में और जो आपकी स्टार्ट फ्रेमिंग होती है उनमें थोड़ा सा एयर गैप आ जाता है जब एयर गैप आ जाता है तो उनसे इंसुलेशन बेटर होती है और उसमें वाइब्रेशन या साउंड एक जो है वो नहीं होती तो रिजिलियंट चैनल्स भी इसी डिवीजन में कवर किए जाते हैं ड्राई वॉल के साथ जो ड्राई वाल कॉन्ट्रेक्टर वॉल इंस्टॉल करता है वही रिजिलियंट चैनल्स करता है तो इस तरह से आप जो है वो अपनी ये डिवीजन नाइन को कवर करोगे और डिवीजन नाइन को कवर करने के बाद आप सीलिंग्स को भी ऑब्वियसली स्क्वेयर फीट में किया जाता है इंक्लूडिंग सोफेट्स एंड सीलिंग्स एवरीथिंग तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है जिप्सम बोर्ड जिप्सम बोर्ड सीलिंग्स और इसी तरह से है आपके पास पेंट ऑन जिप्सम बोर्ड सीलिंग्स पेंट ऑन जिप्सम बोर्ड सीलिंग्स और ये है आपके पास जिप्सम बोर्ड, बोर्ड सीलिंग्स। से आपकी फोर फोर्टी फाइव हंड्रेड फीट है और तो पेंट भी आपका फोर्टी फाइव हंड्रेड स्क्र फीट ही होगा कि जितना आपने ड्राइवल किया है उतना ही आपने उस पर पेंट भी करना है सो दिस इज अबाउट पेंट ऑल द फिनिशेस तो इस तरह से आपकी ये डिवीजन नाइन कवर हो जाएगी इसमें एक और चीज़ जो मेरे माइंड में अभी आई है वो है प्राइमर एंड पेंट पहले प्राइमर कोट किया जाता है प्राइमर इज लाइक स्मूथनिंग आउट द सरफेस प्राइमर फॉर वॉल्स और पेंट का एक सबस्ट्रेट होता है जो कि पहले इंस्टॉल किया जाता है और उसके ऊपर फिर पेंट कर दिया जाता है तो प्राइमर भी एक चीज़ होती है फिर उसके बाद पेंट होता है पहले प्राइमर की कोट होती है फिर उसके बाद पेंट की कोट होती है तो वो भी डिपेंड है कि कितनी कोट्स रिक्वायर्ड हैं अकॉर्डिंग टू द सरफेस अवेलेबल फॉर पेंटिंग तो इस तरह से आप करोगे ये आपके पास डिवीजन नाइन कवर हो जाएगी सो देस ऑल अबाउट द इंटीरियर फिनिशेस और पेंटिंग पेंटिंग का भी आपको बता दिया मैंने सब कुछ क्या होता है उसमें आइटम्स वगैरह कवर होते हैं ए हो गई है तो वॉल्स फ्लोर सीलिंग्स फ्लोर्स और यस आपके जो डोर्स होते हैं उनको काउंट किया जाता है विंडोज़ पर पेंट नहीं होता क्योंकि विंडोज ग्लास की होती हैं या एलुमिनियम फ्रेम्ड होती हैं लेकिन जो डोर्स हैं उनको किया जाता है डोर्स यहाँ पर हमें की बना होगा डोर कैज ये की बना है हमारे पास डोर कैजूल तो इसमें आप ये देखो ये लिखा हुआ है फैक्ट्री फिनिश फैक्ट्री फिनिश मीन इन पर ऑलरेडी ये फिनिश हो क्या है इन पे पेंट करने की जरूरत नहीं है उसके अलावा ये जो हैं बाकी डोर्स इस पर बताया हुआ है कि आपने पेंट करना है तो यहाँ से आप देखोगे कि इनका साइज़ क्या है साइज़ के अकॉर्डिंग आप इनको सेपरेट आउट करते जाओगे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे करोगे पेंट सिंगल वुड डोर्स तो यहाँ पर आप काउंट कर लोगे डोर्स पेंटिंग फोल्डर और पेंट सिंगल डोर्स और इसमें आप काउंट करते जाओगे ये आपका सिंगल डोर है ये आपका सिंगल डोर है ये भी आपका सिंगल डोर है ये भी आपका सिंगल डोर है तो इस तरह से जितने भी होंगे वो आप काउंट कर लोगे सारे के सारे तो आपके पास काउंटिंग आ जाएगी लेट से मेरे पास यहाँ पर रिटीन काउंटिंग आई है तो मैं यहां पर जाऊंगा और यहां पर ऐड कर दूंगा डोर्स पेंटिंग की हेडिंग और यहां पे कर दूंगा पेंट सिंगल डोर्स पेंट सिंगल वुड डोर्स और इनको मैं ईच में क्वांटिटी इसकी मेंशन कर दूंगा लाइक दिस ईच इसको जीरो परसेंट और यहाँ पर लेट्स से आपके एटीन डोर्स हैं तो एटीन में आपकी ये काउंटिंग आ जाएगी तो इस तरह से ये आपके डोर्स की पेंटिंग हो जाएगी सो दिस वे यू वुड इंक्लूड द डोर पेंटिंग एज वेल एवरी टाइम यू वुड डू पेंटिंग आइटम्स उसके बाद कुछ और चीज़ एक और होती है वो आपकी होती है ट्रांजिशन स्ट्रिप्स ट्रांजिशन स्ट्रिप्स क्या होती हैं ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्ट्रिप्स ट्रांजिशन स्ट्रिप्स ये होती हैं कि जहाँ पर आपकी फ्लोरिंग में ट्रांजिशन हो रही होती है दो डिफरेंट टाइप्स की फ्लोरिंग होती है वहाँ पर एक ट्रांजिशन स्ट्रिप इंस्टॉल की जाती है जैसे ये है तो ये आपका वुड फ्लोर यहाँ पर था वुड फ्लोर यहाँ पर है उसमें एक ट्रांजिशन आ रही है जो कि रूम टू रूम आपकी फ्लोरिंग को सेपरेट कर रही है इस तरह से ये है तो आपका कोई भी मटेरियल हो सकता है एक साइड पे टाइल हो सकता है दूसरी साइड पे कारपेट हो सकती है एक साइड पे वुड फ्लोरिंग हो सकती है दूसरी साइड पर आपकी टाइल हो सकती है तो उनमें डिफरेंट जो है वो ट्रांजिशन स्टेप्स होती हैं जो कि यूजुअली डिफाइंड होती हैं आपके डोर कैज में सिल की कैटेगरी में तो अदरवाइज आपके पास जो होती हैं बाकी ट्रांजिशन स्ट्रिप वो आपकी फ्लोर टू फ्लोर वेरिएशन होती है अगर आपको गिवन नहीं हो तो फिर आप क्या करते हो फिर आप खुद से मैनुअली मार्क करते हो लेट से कि आपको टाइल फ्लोरिंग बताया हुआ है और यहाँ पर कंक्रीट फ्लोर है तो आप यहाँ पे क्या मार्क करोगे आप यहाँ पे करोगे लीनियर और यहाँ पर आप मार्क कर दोगे टाइल टू कॉन्क्रीट फ्लोरिंग कॉन्क्रीट टू टाइल ट्रांजिशन स्ट्रिप इसको ट्रांजिशन स्ट्रिप कहा जाता है या फिर सेल कहा जाता है डोर सेल या फिर इसको थ्रेश कहा जाता है तो इस तरह से ये भी आपकी एक क्वांटिटी आती है जो कि आप यहाँ पर फ्लोर फिनिशेज या बेस फिनिशेज़ के साथ यहाँ पर इंक्लूड कर दोगे और यहाँ पर कर दोगे ट्रांजिशन स्ट्रिप्स इसको मेंशन कर दो या फिर थ्रेश आप कर दो या फिर डोर सेल इसको कर दो आप कोई भी आप हेडिंग कर सकते हो यूजुअली ट्रांजिशन स्टेप यूज होता है तो यहाँ पर आप कर दोगे जो भी आपने ट्रांजिशन मार्की हैं से इट वाज कंक्रीट टू टाइल ट्रांजिशन स्ट्रिप आप इसके जो है वो लीनियर फिट मार्क कर दो फॉर एग्जांपल ये फाइव फीट आपकी आई है एक ट्रांजिशन स्ट्रिप की लेंथ तो ये आप लीनियर फिट में टोटल जो आपकी ट्रांजिशन ट्रांजेक्शन हैं वो आप कर दोगे इसी तरह से आपकी जो और इंक्लूडेड आइटम्स होती हैं वो आ जाती हैं डोर्स और विंडोज ट्रिम्स डोर्स और विंडोज ट्रिम्स में क्या होता है जो भी आपके डोर्स और विंडोज के अराउंड आप बॉर्डर्स इंस्टॉल करते हो वो आपके इंक्लूडेड होते हैं आप यहाँ पे लिखोगे डोर ट्रिम्स और इसी तरह से आप यहाँ पे मेंशन करोगे विंडो ट्रिम्स तो यहाँ पर आप कर दोगे फॉर एग्जांपल आपके जो हैं वो टोटल डोर्स जो थे वो आपके हैं let's say 18 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे लिखो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट से का सेवन फीट है तो आप क्या करोगे कि वन साइड पे ट्रिम कितनी आएगी थ्री फीट वेथ और सेवन प्लस सेवन दो साइड्स पर तो सेवन प्लस फोर्टीन प्लस थ्री सेवनटीन तो सेवनटीन टाइम्स टू के बहुत साइड पे हैं और नंबर ऑफ डोर्स आपके कितने एटीन है, है तो ये आपके पास लीनियर फिट में क्वांटिटी आ जाएगी डोर ट्रिम्स की इसी तरह से विंडोज की विंडोज लेट से कि आपके पास जो जो साइज है वो फोर फिट बाई फोर फिट है तो आपकी फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर फोर साइड्स पर ये हो जाएगी आपकी सिक्सटीन तो so, 16 मल्टीप्लाई टू जो आपकी इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों साइड्स पर है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ विंडोज़ लेट से कि इस विंडो साइज के अकॉर्डिंग आपकी जो नंबर ऑफ विंडोज़ हैं वो फाइव है तो आपके पास ही इस तरह से डोर ट्रिम और विंडो ट्रिम भी आ जाएगी तो ये विंडो ट्रिम और डोर ट्रिम्स की क्वान्टिटीज हो जाएंगी और इस पर जितना आपका पेंट होगा वो आपका पेंटिंग में भी इंक्लूड हो जाएगा लेट से आप इसको यहाँ पर कर देते हो वॉल फिनिशेस में कर दो या फिर डोर्स uh, पेंटिंग में या फिर इसी के साथ ही कर दो लेट्स से यहाँ पे इंक्लूड कर देते हो पेंट पेंट विंडो एंड डोर ट्रिम्स तो इक्वल्स टू दिस प्लस डोर ट्रिम्स प्लस विंडो ट्रिम्स तो ये आपके पास लीनियर फिट में क्वांटिटी आ जाएगी डोर ट्रिम्स और विंडो ट्रिम्स पर पेंटिंग की क्वांटिटी तो दिस वे दीज आर ऑल दी आइटम्स जो कि डिवीजन 9 फिनिशेस में इंक्लूड किए जाते हैं और इस तरह से आपका ये डिवीजन 9 फिनिशेस का एस्टीमेट कंप्लीट होगा एक्सटीए फिनिशेस आपके डिवीजन 7 में जाते हैं जो कि हमने पहले किए हैं रूफिंग भी और आपके जितने एक्सटीए फिनिशर्स होते हैं तो इस तरह से आपके इंटीरियर फिनिशेस के सारे के सारे आइटम्स इंक्लूड या कवर हो जाएंगे सो दैट्स ऑल अबाउट इंटीरियर विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन तो यहाँ पर मैं ये इसको कंप्लीट कर दूँ यहाँ पर आइटम्स ऐड कर दूँ जो कि आपके हैं ट्रांजिशन स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स या फिर थ्रैश होल्ड्स या फिर सेल और उसके अलावा आपके पास हैं बुलार्ड्स ट्रांजिशन स्टेप सेल और क्या हमने कवर किए हैं ट्रेम्स जितने भी ट्रेम्स आपके आ रहे हैं वो आते हैं तो इस तरह से ये आपकी सारी के सारी आइटम्स कवर हो जाएंगे सो लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट एंड वट वी और इसको प्रैक्टिस करो कंसल्ट योर सीनियर इफ यू और उसके बाद नेक्स्ट हम कवर करेंगे other divisions so see you in the next session